तो आज है टिक्की भाईसा की विदाई, थोड़ी देर में विदाई होने वाली है। तब तक कैमरे वाले भैया फोटो खींच रहे हैं। ये टिक्की भाईसा के मम्मी पापा हैं दोनों। टिक्की भाईसा हम घर में प्यार से बोलते हैं, वैसे नाम नेहा है टिक्की भाईसा का। तो और ये डोली आ गई है आगे सज के, डोली इंतज़ार कर रही है टिक्की भाईसा का। और अब ये क्या है ना, हाथ के छापे लगते हैं, हल्दी घोलते हैं पानी में, फिर हाथ के छापे लगते हैं उसके लिए। ये मेरी जिठानी लगती हैं बड़ी, ये वाली ब्लू साड़ी वाली, और देवरानी है नीता। ये दोनों क्या कर रहे हैं, टेप से कपड़ा चिपका रहे हैं। तो इस टाइप से होटल में आते हैं तो फिर कपड़ा चिपका लेते हैं, वैसे घर में होता है तो दीवार पे किए जाती हैं चीज़ें। लेकिन अभी घर में है या होटल में है तो हम कपड़े पे लेंगे, निशान लेंगे हाथों के, और फिर इस कपड़े को घर ले जाएंगे और संभाल के रख लेंगे। तो बिटिया की विदाई हो रही है तो बिटिया के हाथ के छापे लगते हैं ये। इस टाइप से आप भी लगा सकते हो, होटल में शादी करते हो तो एक आइडिया मिलता है इन चीज़ों से। और ये क्या होता है, पांच या सात डलिया होती हैं जिसमें बायना बोलते हैं, जिसमें मिठाई जाते हैं, माठे होते हैं, जो गोल मठरी बनती है ना मीठी वाली, बड़ी बड़ी वो वाली होती हैं, लड्डू होते हैं। तो इस पर क्या स्वास्तिक का निशान बना रहे हैं, जिस टाइप से साथी का निशान बना देंगे इस पर। और बस अब ये देरी पूजा हो रही है तो इसके लिए हल्दी ले ली है, चौक पूर दिया है। और ये हमारी बड़ी ननद है जो गाना सुनाएंगी। देरी पूछ रही हैं, और जो बेटी देरी पूछती है वो बाहर से पूछती है और बहू अंदर से पूछती है। तो बस ये देरी पूजा की हो रही है। और ये क्या पहली विदाई हो रही है, एक बार विदाई हो जाएगी और उसके बाद जो मेन विदाई होगी जब वो लौट के आएंगी तो दूसरी बार करेंगे। एक बार यहाँ से विदाई होके वो घर की तुम्हार चले जाएंगे, जहाँ वो लोग रुके हैं, लड़के वाले रुके हुए हैं। उससे क्या होता है कि एक बार जाके फिर चाहे जब आएंगी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फ्री नहीं रहता। पहले तो क्या छः छः महीने के टाइम पे विदाइयाँ होती थी तो पहली एक विदाई हो जाती, लेकिन आजकल दो विदाई एक साथ कर देते हैं। तो बस ये देरी पूजा हो गई है। और देखिए अब ये छापे लगाएंगे इस टाइप से। छापे लगाए हैं, जब कोई भी शुभ काम होता है ना तो हम सीधी तरफ से ही करते हैं, सीधे हाथ से करते हैं। घर में प्रवेश करेंगे तो सीधे पैर से पहले करेंगे। तो इसी टाइप से जो छापे लगाए हैं, जो हाथों से हल्दी के छापे लगाते हैं उनको छापा बोलते हैं। तो ये सीधी तरफ से शुरू किया है लगाना, और फिर उल्टी तरफ से उधर जाएंगे इधर करके। हाथ है जो माँ एक साड़ी रखती है, नई साड़ी रखती है अलग से, तो उस साड़ी से हमेशा हाथ पुछवाते हैं। जैसे जब भी कुछ भी होता है हल्दी के हाथ है, जब हल्दी चढ़ाते हैं तो वो सारे माँ की साड़ी से ही पूछते हैं। अब ये क्या है, अनाज अंदर कई जगह तो लाई फेंकते हैं, कई जगह चावल फेंकते हैं, हमारे यहाँ गेहूँ फेंकते हैं। तो घर में तो क्या है, ऐसे पल्ले में क्या मतलब पूरे घर में बिखेर देते हैं कि भाई भरा पूरा हमारा घर रहे इस टाइप से। तो और यहाँ क्या है, जैसे दीदी बैठी हैं झोली में ले रही हैं इनको, और इनको फिर समेट के घर ले जाएंगे और साल भर तक रखेंगे इस अनाज को। तो इससे इसका ये होता है कि भाई हमारा जो बिटिया छोड़ के जा रही है, भरा पूरा परिवार रहे, भरा पूरा खुशहाल घर रहे। तो हमारे यहाँ रिवाज है, शायद कई लोगों के यहाँ होगा कि जब पहली विदाई होती है ना तो लड़की सबसे गले नहीं मिलती है, बस माँ से गले मिलती है, शायद मम्मी से भी मिली है।
और उसके बाद भाई गोदी में उठाएगा और डोली में बैठाएगा। तो द्वारा जब आएंगी ना तो सबसे गले मिल के जाएंगी। पतली सी तो बड़े आराम से भाई ने उठा लिया और थोड़ी देर लेके भी खड़े रहे। बाकी का तो बहना थोड़ी लंबी होती हैं, थोड़ी हेल्दी होती हैं, तो भाइयों को जल्दी से उठा के बिठाना होता है, बहुत मुश्किल होता है। पर यहाँ तो बड़े आराम से भाई लेके जा रहे हैं, आप देखिए। वाले रुके वहाँ जाएंगी और वहाँ से फिर थोड़ा सा मिठाई विठाई खा के थोड़ी पूजा उजा करके फिर वापस आएंगी। मैन विदाई तब होगी, तो बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जी आ गई वापस हमारी टिक्की भाई साहब ससुराल से। तो अब जो विदाई मैन विदाई होगी ना वो अब होगी, तो बस अब इनको उतार लेते हैं। तो ये मेरी देवरानी है, फिर से छोटी वाली नीता, तो वो उतार रही है इनको, फिर अंदर ले जाएंगी और फिर से देरी पूजा होगी, उसके बाद मैं विदाई हो जाएगी। बेटी या बहू जब भी मायके या ससुराल आती है तो उसका मीठा मुँह कराया जाता है, पानी पिलाया जाता है। पहले शरबत खिलाते थे, आजकल थोड़ा सा मीठा और पानी जरूरत है, मिठाई खिला दी है, पानी खिला दिया है। अब अंदर इनको कैसे पूजा के लिए लेके जा रहे हैं। हमारी सासू माँ के साथ जवाई साहब बैठे हुए हैं, यानी कि टिक्की भाई साहब के जो हस्बैंड हैं वो बैठे हैं, और बस ये दूसरी विदाई की रस्म भी शुरू हो गई है। देखना टिक्की भाई साहब और अब ये विदाई हो रही है, दूसरी विदाई हो रही है। तो फिर से देहरी पूजा होगी और देहरी पूजा करके अब क्या करेंगी ना, सबसे गले मिलके जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई गले नहीं मिले और ऐसा ले जाएंगे, अब सभी से गले मिलेंगी और उसके मिलेंगी ना सबसे। अब इस विदाई के बाद वो चाहे जब आ सकती हैं, चाहे जब जा सकती हैं, ये नहीं है कि विदाई निकाल के जाएंगे। कई स्टेट से जाते हैं दीदी, गले मिल लो, गले मिल लो। Thank you.
पा रहे हैं और मैं मेरी एक वीडियो मिस हो गई, नहीं बन पाई और मुझे मिल भी नहीं रही है। मैं बहुत लेट हो रही हूँ वीडियो डालने के लिए। उसमें क्या है, चार भाई हैं, जैसे जितने भी भाई हैं उन्होंने सब ने हाथ लगाया डोली को लेके आए भाई, तो वो वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। पर अब क्या करेंगे, जैसे अब गाड़ी में बिठा दिया है विक्की भाई साहब को, तो जब गाड़ी चलेगी ना तो ये जो भाई है ना, ये सारे भाई खड़े हैं पीछे, तो ये भाई क्या करेंगे, गाड़ी को हाथ लगाएंगे, यानी हाथ लगाते हैं जैसे कि धक्का दे रहे हैं। और गाड़ी के ऊपर उनके ससुराल वाले पैसे और ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं वो उछाल रहे हैं, तो और इधर सारे लोग खड़े हैं, हम सभी खड़े हैं। और अब देखिए बच्चे सारे चल दिए भाई और हाथ लगा रहे हैं गाड़ी को, इससे बहन जा रही है, इनकी विदाई हो रही है। तो देव जी बस टिक्की वैसा की विदाई हो गई। जब बेटी की विदाई होती है तो घर सुन्ना हो जाता है, और जब बहू आती है तो घर भर जाता है।